Good evening. Today is the last day of the Sharjah International Book Fair, and our guest for today is a TV anchor, writer, and a journalist. He's also the managing director of NDTV India, Mr. Ravish Kumar. Mr. Ravish Kumar and Ms. Sonia Singh had an interactive session with the audience, followed by an interview with Mr. Ravish Kumar. मेरा पहला सवाल जो आपके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट पास किया हमारे अयोध्या केस पे और आप शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर पे हैं तो कैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि दिस अ बिग डे फॉर यू एज वेल नहीं मैं थोड़ा अलग तबीयत का आदमी हूँ मैं अपने आप को इतना इंडिस्पेंसिबल नहीं समझता कि हर चीज़ में मेरा होना ज़रूरी है ना दुनिया मेरी मेरे बिना भी चलती है और ज़िंदगी मेरे बिना भी चलती है थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैं आ गया वहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ नहीं तो मैं ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ की खबरें होती रहती हैं मैं नॉर्मल रहता हूँ क्योंकि मुझे एक पेशेंस है कि सब कुछ इस खबर के साथ नहीं बदल जाने वाला है ये मुझे समझ में आ गया है तो मैं कल कर सकता हूँ परसों कर सकता हूँ इसलिए मैं आराम से सेटल्ड हूँ यहाँ पे आई एम नॉट फीलिंग लेफ्ट आउट यस नाउ व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म वी नो दैट करेज इन जर्नलिज्म इज स्पीकिंग अप फॉर द अनपॉपुलर ओपिनियंस नॉट ओनली द पॉपुलर वंस सो व्हाट गिव्स यू द मोटिवेशन और करेज टू स्पीक अप फॉर कोई बॉन्डविटा पी के बहादुर नहीं बनता है जितना ज़्यादा आपको अपने इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट है करेज वहाँ से आता है सिर्फ हम करेजियस हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं अगर मेरे इन्फॉर्मेशन पे मेरा होमवर्क सही है तो वो मुझे इंस्पायर करता है कि आप बोल दो रुको मत क्योंकि ये बात सही है ना तो करेज वहाँ से आता है तो उसमें प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी पड़ती है तो रोज़ आप अगर आप यंग जर्नलिस्ट हैं तो रोज़ आपको मोर देन 2000 वर्ड्स लिखना चाहिए नहीं लिखिएगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि इतना क्लटर दुनिया में हम रहते हैं बहुत ही पकड़ के रखना पड़ता है अपने आप को मैं लिखता हूँ 2000 शब्द तो मैं बोल रहा हूँ हाँ एंड आपका खुद का शो है प्राइम टाइम एंड यू डिस्कस ऑल रियल लाइफ इश्यूज एंड ऑर्डिनरी पीपल के हर एक इश्यू आप डिस्कस करते हैं सो हाउ डू यू फील रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतने सारे लोग उम्मीद लेके चले आते हैं वो बड़ा दिल टूटता है मेरे वजह से उनका भी कि वो ये उम्मीद लेकिन मैं कर तो नहीं सकता सबका इशू इतने सारे रिपोर्टर नहीं हैं इतने सारा रिसोर्स नहीं है मेरे पास कि मैं जाके हर जगह रिपोर्टर तैनात कर दूँ तो इसका दुख होता है रोज़ तो मैं कभी खुश नहीं रहता हूँ हर समय लोग एक आपको मायूसी भरी उम्मीद लेकर आते हैं खबरें लेकर आते हैं तो कैसे जिएं अच्छा लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में आपकी वजह से खुशी आ जाए तो लगता है कि वाह क्या बात है हाँ हाँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अब जिनको पेंशन मिली है मेरी वजह से वो तो कभी भूलेंगे नहीं है ना तो उनको जब हर महीने वो चेक आएगा तो कहेंगे अच्छा इसकी वजह से मिला है तो कितनी अच्छी बात है हाँ तो और रिसेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एम इन अवार्ड एंड व्हाट डज दैट अवार्ड मीन टू यू एज अ जर्नलिस्ट मैं तो अभी तक सेलिब्रेट नहीं कर पाया हूँ मतलब मैंने ना तो खुद को पार्टी दी है ना दोस्तों को पार्टी दी है मैं नॉर्मल हूँ हाँ जब आया था तब मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था क्योंकि 10,000 लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे लिखा था और वो सिर्फ कॉन्ग्रेट्स नहीं था लोगों ने लंबा लंबा टेक्स्ट लिखा था कि कौन सी न्यूज़ उनको छू गई थी तो क्यों अच्छा लगा था तो लगता है कि उनको ये अवार्ड मिला था मैं इतना टच्ड हो गया था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके बाद मैं किसी से बात नहीं कर पाया और एक हफ्ते तक मैंने करीब करीब 7,000 से 8,000 मैसेजेस के जवाब दिए हैं हाँ मुझसे रहा नहीं गया मैं डिलीट नहीं कर पाया उन मैसेजेस को बिना जवाब दिए हुए तो जवाब दे के थैंक यू सुधीर जी आपका मैसेज अच्छा लगा क्योंकि तब पता चल रहा था कि हम लोग कई बार सोचते हैं हम काम कर रहे हैं किसको क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन उस दिन देख के लगा कि नहीं नहीं बहुतों को फ़र्क पड़ता है तो ये काम ख़राब नहीं है करते चलना चाहिए हाँ एक गहरा अंधा कुआं है कि आप उसमें डालते जाइए भरता है कि नहीं भरता पता नहीं है कोई नहीं चाहता कि अच्छा जर्नलिस्ट बने कोई सरकार नहीं चाहती कोई अखबार नहीं चाहता कि उसके यहाँ अच्छा जर्नलिस्ट आ जाए ये भी सच्चाई है तो आपको खुद से बनना होता है तो आप अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को हाँ एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि पर्सनली आपके हिसाब से जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है इंडिया में मतलब ये वाला तो फ्यूचर नहीं है मतलब बहुत स्ट्रक्चर टूट गया है जर्नलिस्ट के ग्रो करने का तो बहुत ही मतलब हेवायर चीज़ें हो गई हैं तो उसमें फ्यूचर क्या है स्टेप बाय स्टेप चलना है कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं
हो सकता है आपका एज ए इंडिविजुअल अच्छा हो पर ये करना पड़े और आपको बहुत पैसा मिले और एडिटर का पोस्ट मिल जाए तो आप बनना चाहेंगे, नहीं ना कि आप जाके वहाँ पर आप डांस करो न्यूज़ रूम में और इस तरह का वायलेंट लैंग्वेज बोलो, आप करना चाहेंगे? नहीं करेंगे ना। तो मैं तो नहीं दुआ करूँगा कि आपको ऐसी नौकरी मिले। अब इसके अलग नौकरी मिलने के लिए तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, नहीं ये सच्चाई है, मैं दिल नहीं तोड़ रहा, पर हम सबको ये रास्ता बनाना है। थैंक यू सो मच।